रससिंदूर के निर्माण हेतु हमें आवश्यकता होती है पारद की। पारंपरिक तरीके से पारद कैसे प्राप्त किया जाता है ये हम देखेंगे। आजकल मार्केट में केमिकली प्यूरिफाइड भी पारद मिल जाता है। इसके बारे में वैद्यराज दातार शास्त्री जी ने कहा था कि अभ्यंतर प्रयोग के लिए जब भी पारद की जरूरत हो तो पातन संस्कार में निकला हुआ पारद ही उपयोग करें, वो ज्यादा अच्छा होता है और सुरक्षित भी होता है। तो चलिए हिंगुल से पारद कैसे प्राप्त किया जाए ये देखते हैं हिंगुलत्थ पारद में। ये आरक्त वर्ण के चमकीले पत्थर हिंगुल है। ये जपा पुष्पवत लाल रंग पारद का रस सिंदूर में परिवर्तन करने के लिए अग्नि की जरूरत होती है, क्योंकि परिवर्तन पचन के बिना होता नहीं है। रस सिंदूर की भट्टी 2 दिनों की होती है, तो इस अग्नि को तैयार करने के लिए हमें एक बड़ी सी भट्टी बनानी पड़ती है, उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ये भट्टी बनाना ताजमहल बनाने से हल्का नहीं है, क्योंकि इसमें की जो हर एक ईंट है उसकी पोजीशन, हर एक मेटल रॉड इसकी पोजीशन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें थोड़ी भी लापरवाही हो जाए तो आज तक की अपनी मेहनत बेकार जाती है। तो चलिए सर्वप्रथम हम ढूंढते हैं अपने भट्टी के लिए सुयोग्य स्थान। कि हम लोगों ने वैसी जमीन वैसी भूमि आज सुनिश्चित कर ली है। तो अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो ये जो भूमि है वह इस तरह से बनी है। यह जमीन ब्लैक सॉइल और सॉफ्ट स्टोन से बनी है। छोटे बच्चों को और पालतू आपको दिख रहा है इस तरह से 45 डिग्री में एक रास्ता तैयार किया है, जहां से 10 घंटों तक गंधक जलकर बाहर निकलता है। इसी समय बार बार इस धातु शलाका के अग्रभाग को गर्म कर वहां जमा हुआ गंधक जलाकर कूपी का मुख वो पूरा जो है वो अग्नि को एक्सपोज हो जाता है। निचला हिस्सा जो है उसका परीक्षण आप अच्छी तरह से करें। वहाँ कहीं भी स्थानों पर आघात करने पर एक जैसी आवाज आनी चाहिए और अपने सारे कष्ट बेकार जाएंगे। तो जो भी कांच कूपी हम लोग सिलेक्ट करने जा रहे हैं वह सफेद होनी चाहिए। इस तरह की अंबर कलर की बॉटल बिल्कुल ही ना ले, क्योंकि यह इसके लिए ये लकड़ियां आवश्यक होती है। ज्यादा से ज्यादा ये आकार की लकड़ियां होनी चाहिए, इससे बड़ी लकड़ी ना ले। इन लकड़ियों की सहायता से भट्टी का टेम्परेचर आसानी से 500 से 600, इस चौक का अंदर से अंदर का नाप 17 इंच है। नीचे से पत्थर बांधकर नीचे छोड़ दे। यह पत्थर और दोनों पाइप्स का मिलन बिंदु एक ही होना चाहिए। अगर पाइप्स इधर उधर मिलती हो तो उन्हें इस आज हम कपड़ मिट्टी के आखिरी 3 लेयर बनाने जा रहे हैं। अगर अभी इस गंधक को हम निकालकर साफ नहीं करेंगे तो शायद यह गंध बीत गए हैं। आप को साफ करें। एक बार यह कीट बाहर आना शुरू हो गया तो बड़ी मात्रा में निक्त होकर कुपी के तल भाग में आरक्त वर्ण की रिंग दिखने पर तीव्राग्नि की शुरुआत होगी और कुपी के मुख से झांकने पर आपको कांच की चूड़ी की तरह लाल लिए आगे 6 से 8 घंटों तक यह लपटे इसी तरह बनी रहनी चाहिए। अब रात के 10:30 बज चुके हैं। देखते हैं आगे जाकर रस सिंदूर किस तरह ऊपर आकर गलस्त होने लगता है। कि अग्नि बदलनी चाहिए तभी हमारी भट्टी सफल हो सकती है। अब भट्टी पूर्ण होने का क्षण आ गया है। रस सिंदूर आज रिजल्ट निकलने का दिन है। स्कूली बच्चे की तरह मेरा हृदय उछल कूद कर रहा है। इतने साल भट्टियां करने पर भी एक तनाव सा महसूस होता है, क्योंकि काम तो मैंने बहुत अच्छा किया है लेकिन फल देना यूं कहे ईश्वर के या गुरु के हाथ में होता है। तो चलिए आज
चार दिनों के बाद अपनी जो रस सिंदूर की भट्टी है वो स्वांगशित हो चुकी है। जाके हम लोग उस काच कुपी को निकाल के ले आते हैं और देखते हैं कि कैसे बना है अपना रस सिंदूर। आज भट्टी बंद करके चार दिन बीत चुके हैं। यह कुपी बाहर निकालने के लिए एक विशिष्ट पद्धति है। सबसे पहले याद रहे यह वालू का कुपी। अब हम रस सिंदूर कांच कुपी से अलग करने जा रहे हैं, इसलिए और इस तरह हमें उत्तम वजनदार रस सिंदूर प्राप्त हो गया है। उसका वर्ण भी सिंदूर की तरह है। पूरी तरह से पानी निकल जाने पर हमें शुद्ध ताम्र भस्म प्राप्त हो जाएगा। दो हफ्ते पहले यथाविधि भट्टी का कंस्ट्रक्शन पूरा कर ले। 14 कपड़ मिट्टी वाली दो कांच कुपियां, ताम्रभस्म की अधिकतम मात्रा 10 मिलीग्राम होती है। इसके अनुपान स्वरूप हम